हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास आपके लिए खास प्राइस रियलमी 2 जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया और ये आज मुझे मिल चुका है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी जल्दी से, कुछ मेन हाइलाइट्स पे नज़र डाल देते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने 464 में किया है, ये मुझे 11,990 का पड़ा। देख सकते हैं आप, इसके बगैर मैनुफैक्चर भी कहा तो ये सब कुछ 6.2 इंच का LCD प्लस डिस्प्ले, बैटरी 4230 mAh की बैटरी मिलती है हमें, और बॉक्स के साइड में रियलमी 2 लिखा हुआ है और इस साइड भी रियलमी 2 और ऊपर बड़े अक्षर में 2 लिखा हुआ है, नीचे रियलमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमने बॉक्स को खोला, चलिए इसको साइड में रखते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक ये मिलता है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। सिम इजेक्ट टूल देख सकते हैं आप, सिम इजेक्ट टूल मिला हमें इसके साथ में। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और अंदर वो देख लेते हैं क्या मिला है। कुछ मैनुअल्स, एक सिलिकॉन केस है ये, ठीक है, ये केस अच्छा है। मुझे इस केस की ये बात सबसे अच्छी लगती है वो रियलमी के फ़ोन्स की, वो मतलब चार्जिंग पोर्ट के लिए भी स्पेस देते हैं और उनमें प्रोटेक्शन लगाते हैं, देख सकते हैं आप, ये रही प्रोटेक्शन। और आ जाते हैं अपने मेन हाईलाइट पर, ये है हमारा फ़ोन जिसको मैंने डायमंड रेड कलर में ऑर्डर किया। चलिए देख लेते हैं इसको, देख सकते हैं आप, ये है हमारा मोबाइल। देख सकते हैं आप बैक से कितनी अच्छी लुक दे रहा है। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और नज़र डालते हैं कुछ और बुक्स एंड कंटेंट्स पे। हमें यहाँ पे मिलता है एक नॉर्मल चार्जर 5W 2A का, आप रीड कर सकते हैं 5W 2A का, मतलब ये फ़ोन कोई फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट करता और इस साइड ओप्पो की ब्रांडिंग है इस चार्जर में। और एक USB 2.0 केबल भी हमें इसके साथ देखने को मिलती है, देख सकते हैं ये नॉर्मल सी केबल है USB 2.0 की, ये हमारे देखने को मिलती है। और इनमें कुछ हमें क्विक स्टार्ट गाइड है, ये छोटी सी, इसको तो आप रीड कर ही सकते हैं। इस फ़ोन की मैंने छोटी देखी और ये बहुत बड़ी है। ये कुछ इंफॉर्मेशन गाइड वगैरह के लिए, वारंटी स्टेटस वगैरह, इसको देख लेना रीड कर। चलिए जल्दी से हम फ़ोन को सेटअप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देख सकते हैं हमने फ़ोन को कर लिया है सेटअप और अब आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। और फ़ोन को सेटअप होते ही न्यू वर्जन आ चुका है, अपडेट लेने वाला है। आज इसका नया अपडेट आया है जो मेरे पास फ़ोन ओपन होते ही आ चुका है और हम आपको इसका फेस कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कलर वाइज वर्जन 5.1 में देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे काम करता है और 4GB में से हमें 48GB फ्री मिलती है, 64GB में 4GB रैम है। और आपको एंड्रॉयड वर्जन दिखा देते हैं, 8.1 ओरियो पे काम करता है और आपको इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी टेस्ट करके दिखाते हैं। ऐड फिंगर कर लेते हैं, मैं इस पर अपनी फिंगर ऐड कर देता हूँ। और ये फिंगर ऐड हो चुकी है और फेस भी ऐड करके देखते हैं। मैं फेस भी ऐड कर लेता हूँ इसको, और ये फेस भी सेट हो चुका है और हम डायरेक्टली अनलॉक टू ईयर फेस कर लेते हैं। पहले आपको इसका फिंगर टेस्ट दिखाता हूँ। टच ओपन,
फिंगरप्रिंट वेरी एक्यूरेट है, बहुत फास्ट काम करता है फिंगरप्रिंट, बहुत अच्छा है। और फेस अनलॉक की बात दिखा देते हैं हम इसके सामने, देखा देखिए अब मैं इसके सामने नहीं देख रहा और देखा डायरेक्टली अनलॉक, वेरी फास्ट है, देखते ही अनलॉक, नो स्क्रीन, देखिए अनलॉक बहुत फास्ट है। और देख सकते हैं मुझे पीछे से लुक बहुत अच्छी लगी इसकी, ये 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कोई नहीं, चलो हो गई आज के लिए अनबॉक्सिंग छोटी सी, ये मेरी तरफ से आपके लिए अनबॉक्सिंग थी। अगली वीडियो में मैं इसका रिव्यू दूंगा और इसके कुछ टॉप ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, और मैं इस फ़ोन को खुद यूज़ करने वाला हूँ, मैंने कोई रिव्यू नेट नहीं है, मैंने खुद परचेज़ किया इसको। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुछ कैमरा सैंपल रहे आपके सामने, आप इन कैमरा सैंपल्स को देख लीजिए कैसे लगे, मुझे तो बहुत अच्छा। ये फ्रंट कैमरा है, कैमरा सैंपल था, और ये बैक कैमरा सैंपल है, देख लीजिए पोर्ट्रेट मोड में बहुत अच्छे।